सूरत में भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। बाढ़ के चलते ज्यादातर इलाके जो है वो पानी में डूब गए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। दक्षिणी गुजरात में बारिश से जमकर कहर बरपाया है। बीते 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। डायमंड सिटी की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश ने तापी नदी और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बहने वाले कई नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है। इन नदी नालों से सटे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई सोसाइटी में 2 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों का प्रशासन की टीमों ने रेस्क्यू किया। 6 दिनों बाद भी कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और सूरत में बाढ़ के हालात जो है वो बेहद खराब है। सनिया गांव में मंदिर तक जल समाधि जो है वो ले चुके हैं। पूरा इलाका पानी में डूबा है। लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालात को संवाददाता विद्यानाथ झा की इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो पूरे का पूरा मंदिर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मंदिर ने जल समाधि ले ली है। अब देखिए, पूरा का पूरा मंदिर, सिर्फ शिखर मंदिर का बचा हुआ है, नहीं तो पूरा मंदिर आप देखिए तस्वीरों में कि डूबा हुआ है। और ये रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है जो पूरी तरीके से जलमग्न है। आप ये देखिए, रघुपति भवन है यहाँ। आप देखिए, ये रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ ऊपर कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं। डर नहीं लग रहा है क्या? हाँ, रुके हुए हैं लोग, क्योंकि ऊपर के माले पर हैं। हालांकि ऐसी जगहों पर जहां पर लोग रुके हुए हैं, वहां पर लोगों के लिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो पहुंचना बेहद मुश्किल है। वहां बड़ी मुश्किल से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने का, दूध या रोजमर्रा की जो चीजें हैं। अब देखिए, ये जो द्वार है ये आधे से ज्यादा डूब चुका है, आधे से ज्यादा डूबा हुआ ये द्वार। इस तरफ देखिए, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए जरा इसको दिखाई, पंचायती राज का एक बोर्ड लगाया गया है और ये बोर्ड आपको आधे से ज्यादा डूबा हुआ नजर आ रहा है। पेड़ नजर आ रहे हैं जो पानी में, ऐसा लग रहा है कि जल समाधि। और थोड़ा सा पानी और बढ़ जाए तो सर मुझे लग रहा है कि ट्रांसफार्मर तक पानी घुस जाएगा। ये ट्रांसफार्मर तो आराम से चला जाएगा पानी में, पर ये देखिए यहाँ के वो भंवर बन रहा है, पानी का बहाव का भंवर बन रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं इतना बड़ा गड्ढा है या तो फिर कहीं पे पानी निकलने की ये बहुत बड़ी जगह है, और ये भंवर में फंसे तो कभी अब वापस नहीं आ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी रिस्की सिचुएशन है। तो अगर आप सूरत में रहते हैं तो नव भारत आपसे अपील करता है कि इस तरह की किसी भी जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां बहुत सावधानी से जाएं, देखरेख में जाएं, या तो SDRF, NDRF या फिर यहां लोकल बॉडीज जो है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या यहां पर फायर डिपार्टमेंट जो है, उनकी टीम अगर है तो ही आप जाएं, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपकी जान पर आ सकती है। आपको सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ये देखिए, इस सोसाइटी के बगल में एक जो आपको बड़ा सा गेट नजर आ रहा है, इस गेट के अंदर आप देखेंगे तो पूरा पानी भरा हुआ है। मुझे लग रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन कोई एरिया है जिसमें पानी भर चुका है, और इसी तरह के एरिया में अगर लोग गलती से पहुंच जाते हैं तो उनकी जान पर आबनती है। ऊपर जरा दिखाइए, सोसाइटी के ऊपर लोगों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, क्योंकि जो नीचे रह रहे होंगे, ग्राउंड फ्लोर के रहने वाले जो लोग होंगे वो ऊपर जाकर रह रहे हैं। और सनिया गांव बाढ़ के चलते टापू में तब्दील हो गया। लोगों के मकान, दुकान, सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। पूरा गांव बाढ़ की वजह से खाली हो गया। लगातार बढ़ रहा बाढ़ का पानी बिजली के तारों को छूने को आमादा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर जैसा नजारा है, अमूमन आप जब देखते हैं कि बड़ी नदियां जब बड़े उफान पर होती हैं या समंदर का जो नजारा होता है वो इस तरीके से होता है, लेकिन ना ये समंदर है, ना सागर है, ये और नदी भी नहीं है, ये सूरत का एक गांव है जहां पर पानी अभी चारों तरफ डेरा जमाए हुए है और लोग अपना घर, अपना डेरा छोड़कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए मजबूर हुए हैं। जरा सामने की तस्वीर दिखाइए, इधर आप देखेंगे जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार तक पानी है, तो पीछे आपको जो खेत और जंगल का इलाका नजर आ रहा है वहां पर भी पानी का डेरा है। इस तरफ की तस्वीर अगर हम पीयूष दिखा सकें, ये देखिए, ये भी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है। इस सोसाइटी में भी मुझे लग रहा है कि लोग शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, इन लोगों को भी यहाँ से हटा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, और कुछ लोग मुझे जरूर अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोग शायद ऐसे लोग हैं जो ऊपर वाली मंजिल पर रुक गए होंगे। लेकिन ऐसे इलाकों में जहां अभी ना तो बिजली है, ना खाने पीने की चीजें मुहैया कराना मुश्किल है, उन लोगों तक पहुंचाना मुश्किल है, ऐसे में देवदूत का काम और लोगों तक मदद पहुंचाने का काम करने वाली जो टीम है वो यहाँ की फायर डिपार्टमेंट की टीम है,
जो लगातार इस काम में लगी हुई है। कृष्णा जी, आप लोग लगे हुए हैं, कैसे इतने सारे लोगों के लिए रोज दूध पानी पहुंचाना, बिजली नहीं है और भी जरूरतों की चीजें हैं, वो सब कैसे पहुंचती है? देखिए, ये अभी जिस हिसाब से यहाँ आपत्ति आ रखी हुई है, अब उसे फेस करना ही है, उसके फाइट देना ही है और हर हाल में हमें सेवा करनी है, क्योंकि हमें रखा गया ही उसके लिए है, फायर डिपार्टमेंट लोगों की सेवा के लिए है। और बट ऑब्वियस है कि इतने लोगों का खाना पहुँचाना रहता है, वो हम टाइम टू टाइम जितना हो सकते है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी इन इलाकों में नाव चल रही है और ठीक उसी तरह के एक बोट में हम भी यहाँ अभी ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो नजारा यहाँ का मंजर है जो दिखा पा रहे हैं, वो एक बोट के जरिए ही दिखा पा रहे हैं। तो कितनी ऐसी बोटें जो हैं आप लोगों ने इस इलाके में चला रखी हैं, या उन इलाकों में जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जहाँ गली सड़क सब कुछ लबालब है पानी से? देखिए, अगर पूरे सूरत शहर की बात करें तो पूरे सूरत शहर में हमने कम से कम 25 से 30 बोटें, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जो भी मरम्मत करवा के, कुछ भी करवा के, हमने शुरू करवा के, चालू करवा के ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया है। और कहीं कहीं तक हम उसमें सक्सेस भी मिला है हमें। और देखिए, सूरत में सैलाब की वजह से लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है, घर में नजरबंद जैसे हालात हैं। विद्यानाथ झा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में घर को, रोज की जिंदगी को चलाना कितना मुश्किल होता है। कितने लोग हैं अभी इसके अंदर, कितनी फैमिली है? 50% है। तो आप लोगों के खाने पीने का जुगाड़ कैसे हो रहा है? कितने दिनों से ऐसी हालत है, कब से फंसे हुए हैं आप लोग? चार दिन से पावर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा कि जो ट्रांसफार्मर है इस पूरे इलाके में लगे हुए ट्रांसफार्मर्स हैं, वो सब लगभग लगभग या तो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं या फिर पानी उनको छूता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कृष्णा जी, यहाँ पावर सप्लाई नहीं है, यहाँ पर लोग अभी चार दिन से ऐसे ही रह रहे हैं, यहाँ से भी क्या आप लोगों ने लोगों को निकाला है? हाँ, यहाँ पे इवैक्यूएशन किया गया है, जहाँ जिनको स्वैच्छिक रीत से निकालना रहता था उनको सबको निकाला गया है, जो भी बूढ़े बच्चे जिसको भी जरूरत थी उन सबको निकाला है। हाँ, लेकिन ये काफी रिस्की सिचुएशन था, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, अभी ही हमने देखा है कि जो पानी का बहाव था, उस बहाव में आके जो कार्रवाई करनी पड़ती थी उसमें बहुत लाइफ रिस्क था। लाइफ रिस्क है, और ऐसे में समस्या ये भी है कि ना सिर्फ रेस्क्यू करने वालों के लिए ये बड़ा काम होता है, बल्कि वो लोग जो फंसे हुए हैं, अपने घर में ही फंसे हुए हैं, अपने घर में ही कैद होकर रह गए हैं, उनके लिए भी ये दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। सूरत में अभी हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो हैं, बारिश अभी थोड़ी रुकी जरूर है, लेकिन लगातार जो तीन दिन तक बारिश हुई है उसने पूरे इलाके में पानी का बसेरा कर दिया है, जिसकी वजह से लोग अपने घर में फंसे हुए हैं, जहां तहां फंसे हुए हैं या फिर सुरक्षित ठिकानों पर रुके हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, सूरत, नवभारत। गुजरात का सूरत शहर बाढ़ से बेहाल है। सूरत पर निगरानी के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है। मॉनिटर पर 4,500 कैमरों से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा ने। सूरत इन दिनों पूरे देश में देखा जा रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि यहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, कई इलाके डूबे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहां से पूरे सूरत पर नजर रखी जाती है। ये कमांड सेंटर है, सूरत इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है। वैसे तो ये पूरे साल चलता है, 24/7 ये काम करता है, लेकिन इसके बावजूद अभी ये जो सेंटर है इसको कमांड सेंटर के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मैं आपको जरा तस्वीरों में दिखा देना चाहता हूं, इस स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कई विंडोज हैं और उनमें अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर 4,500 कैमरों से इस शहर पर नजर
रखी जाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर पुलिस के जो कैमरे लगे हुए हैं उससे नजर रखी जाती है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि जिन इलाकों में बाढ़ है या पानी ज्यादा है उन इलाकों की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इस मॉनिटर पर आप देख रहे हैं, एक तरफ वो नदी है जिसका पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसका वाटर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है, और नीचे अभी क्योंकि बारिश हो रही है रात के वक्त में, आप देख रहे हैं कि जहां बारिश हो रही है वहां पर भी सड़कों पर पानी है। बाकी और जो विंडोज हैं उनमें भी आप देख रहे हैं कि तस्वीरें यहां से दिखाई दे रही हैं और यहीं से कंट्रोल किया जाता है। और सूरत कमान सेंटर से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है, खुद म्युनिसिपल कमिश्नर ने मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे संवाददाता से बातचीत में म्युनिसिपल कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर शालिनी अग्रवाल जी हैं। मैम, अभी आप लोग कैसे इस कमांड सेंटर से पूरे शहर पर, पूरी सूरत पर नजर रख रहे हैं और कैसे यहां से आप लोगों को मदद पहुंचा रही? सूरत का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बनाया गया था। पूरी सिटी में हम लोग के कॉरपोरेशन के 2600 कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं और उसके अलावा 800 कैमराज अलग अलग स्कीम्स में से लिए गए हैं। इसके अलावा जो पुलिस के कैमराज हैं उनका फीड भी हम लोगों ने यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में दिया हुआ है। तो टोटल 4500 कैमराज पूरे सिटी में अलग अलग जगहों पे लगाए गए हैं और उसका जो लाइव यहाँ पे मॉनिटरिंग पूरी सिटी का होता है। अभी फ्लड सिचुएशंस में हम लोग पूरा जो हमारा 24/7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी कंट्रोल रूम तरीके से ये काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूरत सिटी में बहुत सारी क्रीक्स हैं, तापी रिवर है, समुद्र के बैकवाटर्स हैं, उकाई डैम्स का अफेक्ट होता है और इसके अलावा जो ऊपर के जितने भी एरियाज हैं उसमें जो भी रेनफॉल वगैरह है उस सबका इफेक्ट सिटी में होता है। इतनी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन करने में ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव गवर्नेंस के तरीके से काम करता है, क्योंकि 4500 कैमराज से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी कैमराज एक साथ में, हमारी टीम्स भी बैठी हुई हैं जो 24/7 काम कर रही हैं और प्रोएक्टिवली किन किन एरियाज में वाटर लॉगिंग हुई है तुरंत वो सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो हमारी जोन और जो वार्ड्स की फील्ड टीम्स हैं उनको दिया जाता है। सपोज कोई स्ट्रीट पोल गिर गया या फिर कोई पेड़ गिर गया रास्ते पे, तो लोग बताएं उससे पहले यहां पर से इनपुट बहुत ही फास्ट हमारी टीम्स को फील्ड में चले जाते हैं और वो लोग तुरंत 24/7 टीम्स कार्यरत हैं, वो तुरंत ऑन द स्पॉट पहुंच के उसको रेक्टिफाई करती हैं और यहां से क्योंकि लाइव देख सकते हैं इसलिए उनको पता चल जाता है कि रोड्स वगैरह ओपन हो गए हैं। इसी तरह से सपोज कहीं पे पॉट होल्स हैं या फिर कहीं पे डिवाइडर टूट गया है या फिर कहीं पे ब्रिज में कुछ या कलवर्ट में कुछ पानी वानी भर गया है, अंडर पासिस में पानी भर गया है, तो उसको तुरंत लोगों के लिए बंद करना है ट्रैफिक मूवमेंट के हिसाब से पानी भर गया है। तो यहां से ये लोग पुलिस के पास में और हमारी जो जोन्स की टीम्स के साथ में तुरंत उनको इनपुट्स देते हैं, फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स शेयर करते हैं, टीम्स तुरंत फील्ड में मोबिलाइज होती हैं और तुरंत ट्रैफिक व्यवहार को रोक दिया जाता है। और गुजरात की नवसारी में भी भारी बाढ़, पूर्णा नदी में बारिश के चलते भारी सैलाब आ रहा है। नवसारी के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, सूरत की क्या तस्वीर है वो आपने यहाँ पर देखी, किस तरह से वहां पर नजर रखी जा रही है अलग अलग इलाकों पर। नवसारी में भी भारी बाढ़ की स्थिति है, पूर्णा नदी में बारिश के चलते भारी सैलाब आ गया, जलस्तर बढ़ा हुआ है और उसके बाद पानी जो है वो निचले इलाकों में जा भरा है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, अलर्ट पर रहने के लिए निचले इलाके के लोगों को कहा गया है और जो ज्यादा खतरे की जद में है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है।